सोने का टाइम एकदम गुड नाइट करके हटा। ये हिरन भी है और बारहसिंगा भी है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओए इधर मुंग मार, उसको आवाज नहीं सुन रही होगी असली। मस्त सेक रहा है, बाकी सारे चुपचाप के बैठे इधर ही। रेड ड्रैगन फ्लावर, ये बाइट थी, ये तो अपने पास ही आ गई। उई 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 वाओ, अब इनमें से एक चल मगरमच्छ, इसका नाम है मगरमच्छ वाली मछली। ओ ये तो दीप्ति लग रही है, अच्छा वो सॉरी ऊपर है। एक्वेरियम में जाने के लिए यहाँ से एंट्री होगी। पर देखे आपने इसके कितने बड़े खुले थे। तो मैंने टर्टल्स खाना खाएंगे, टूट पड़े खाने पे, एक बच्चे भी इसमें। ठीक है जाऊँ, खाना ज्यादा खा लिया नहीं जाऊंगा मैं, हम मोक्ष के लिए मंजिल कामयाब करेंगे। देखो देखो पैर हिलाया इसने, ये ऐसे स्लो ही चलते हैं, ये देखो पड़े हुए हैं। हाँ उसके नीचे से यहाँ गर्दन से बाल निकले हुए हैं ब्लैक कलर के, कैसे। हाँ दाढ़ी है, दाढ़ी है, दाढ़ी है, ऐसे निकले तो बस। ओए ओए ढक, ओए ओए भाग तो देखो कैसे, ओए ओए शत्रुमुख कितना बड़ा है। ओए मैंने पहली बार देखे, मैंने दूसरी, हालांकि मैं देखता रहता हूँ। तेरी चोंच देख रहा, मुझे लगता है ये बुर्ज कर रहा है इस वाले। ओए खा गया मुझे, खा गया ये दोनों, वो खा गया ये। ओए ओए गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, ना ना ना। और देखो कितने लंबे है। लवियोसा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम निकल रहे हैं मंसूरी के लिए देहरादून से, और अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से आपको मंसूरी घुमाते हैं, और उससे पहले बीच बीच हम कहाँ जा रहे हैं देहरादून से आपको सारी जगह पता चलेगी। ब्लॉग है ये 8, काफी मजा आ रहा होगा। बोल लोग नहीं, पार्ट 8 है, पार्ट 8 है। हाँ ब्लॉग तो देहरादून वाला चल ही रहा है। वादियों को नजारा लेते लेते हम जा रहे हैं आगे, पता है आपको, एकदम हसीन वादियाँ। सामने धूप पड़ रही है, कितना मस्त लग रही है। देखो 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 कितना मस्त रास्ते हैं इधर से, वो व्यू मजा आता है। मतलब मॉर्निंग का स्वाद ही आ जाता है, यहाँ उठ के सैर करो, दातुन करो, क्या ही मजा आता है, बहुत मजा। मंसूरी जाने से पहले इसको उतार देना, चक स्कूल जाएंगे मम्मा के पास। चलो बैग कहाँ है, बैग कहाँ है इसका, बैग नशी, बैग कहाँ है आपका। चलो स्कूल जा, आप फिंगर पकड़ो नाइशा, फिंगर पकड़ो बेटा। चलो ये नाइशा का स्कूल, हम इसको स्कूल छोड़ेंगे। चलो रुको 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 रुको, नाइशा के ये स्कूल है, अभी इनका क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, तो अब जल्दी जल्दी से निकल। सबसे पहले जाएंगे कौन सी पार्क जा रहे हैं, डियर पार्क जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओ रे मंसूरी, आ रहा हूँ मंसूरी, मैं तेरे पास पसूड़ी पाने आ रहा हूँ। देख फुटबॉल खेल रहे गबरू, है मैच ही चल रहा है गबरू के साथ। ये बहुत अच्छा नज़ारा है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पर वो देखो तो ये पूरा मंसूरी दिख रहा है सामने, ये पूरा मंसूरी, ये देखो ना पूरा मंसूरी। पहुंचे मलसी डियर पार्क, मलसी डियर पार्क है, मलसी डियर पार्क। स्लिप कार्ड की कट गई हमारी, कितने रुपीज की है, 30 रुपए, 30 रुपए वगैरह की सबकी प्राइस लिखी है। देखो स्कूटी इनसे भी ले रहे हैं, पार्किंग डियर पार्क दिखाते हैं। देखो ये दिख रहे, अभी तो बाहर से अभी एंट्री हुई है, ये गेट है, वो रेट लिस्ट लिखी हुई है, रेट लिस्ट का है वो, देखो हाथ लगाया ना, ये रेट लिस्ट पढ़ लेना। तो चलो फटाफट अंदर एंट्री करते हैं। हम डियर पार्क पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, मोड़ के अच्छे से लगानी पड़ती है तसल्ली से। चलो अंदर चलते हैं, 90 रुपए की टिकट है, लेते हैं देखते हैं। 90 रुपए की, 30 रुपए की तो वो है, यहाँ से टिकट है 90 रुपए की, और इसके अंदर जाना है तो जल्दी से पहले टिकट ले ले। टिकट इसी हिसाब से आप चेक कर लो, ठीक है। अगर आपने सब कुछ देखना है तो 90 रुपए के हिसाब से टिकट सब कुछ आ जाता है, इसमें सब कुछ देखा जाएगा। एक पर्सन का 180 रुपए लगे हमारे, इसमें एक्वेरियम जो भी अंदर का हम दिखा देंगे। हाँ रूम टाइप, अरे उसमें छोटी छोटी फिश 6-7 फिश दिखाई हुई, ये सारी होंगी, उसका 50 रुपये है। अगर आपने मछली देखनी है तो आप 50 रुपये पे कर सकते हो, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। अब हम एंट्री कर रहे हैं, अभी बंद कर रखे हैं, जब बहुत भीड़ होती है ये ऑन रहता है, चलता है। ये हमारी हुई एंट्री, ये चेक कर सकते हो, हुई बिल्ली चढ़ा रखी है सुक्की पिक्की। अब देखते हैं कितना दूर है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ये है पार्क, फन पार्क, झूले लगे हुए हैं, बच्चे का मन ललचाया। इसमें वो लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। एंट्री पॉइंट है ये, जैसे आप गेट से एंट्री करोगे सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। इधर चलो दिखाएं, सप्पा वाला अलग सिस्टम है, वो सारा कुछ दिखाएंगे। चलो
अब मजा आएगा इस बाग में ना, तो बाग के बाहर निकले हम तुरंत एंड कर देंगे। ये एक उधर रास्ता जाता है वॉशरूम के लिए, एक इधर जाता है, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अब सारे आपको दिखाएंगे तो ये पार्क, तो देखो बच्चे खेल भी रहे हैं उधर, बढ़िया सारा कुछ है। ये वाला जानवर है, अब आपको दिखाने की बारी आ गई है। चलो अब हमारा कैमरा काम आएगा, आपको सारे जानवर दिखाएंगे। पहला जानवर हमें सबसे पहले ये देखने को मिला, इसमें ऊपर वाले ये वाला भी है, तित्तर भी है, जो हम खाते हैं। जानवर के घर में आते हैं तो जानवर को स्पेशल मत डिस्टर्ब करें छी छी करके, क्योंकि हर कोई ये करता है, तो उनको रेस्ट कर रहे हैं बस, वो जैसे बैठे वैसे ही। देखो पैरट वाइट दिखाता हूँ, कॉकटेल ग्लासियाँ ले आना, कॉकटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसको दिखाने की बारी आ गई है, वो ऊपर बैठे, देखो ये देखो लवबर्ड्स बैठे हैं। अरे यार वो मैं और तू बैठे हैं, वो यार ये है, देखो इसके जूम करके नहीं दिखा सकते, यहाँ तो पूरी महफिल बैठी हुई है, ये दूर है थोड़ा मेरा ना ऐसे, अपना और नीचे आ गया। वाइट तोता कितना प्यारा है ना, क्यूट लग रहा है। ओए दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, नीचे भी है, ये देखो ये ऊपर बैठे हुए है ना, ये वाले इधर से देख लो, मैं अभी आपको ये दिखाया जूम करके। ओ फ्रेंड्स लव बर्ड्स बाहर आ गए, देखो सारे अंदर, देखो ऐसे ही है सेम, देखो सेम ऐसे ही है। ओए रेड वाला ये बाहर का परिंदा है, ये बाहर का परिंदा है, ये पंजाब से आया है। चलो आगे दिखाते हैं, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इधर कुछ ये वाली चीज़ है, पर वो अंदर कहीं छुपी पड़ी है, हम उसको ढूंढने में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेस्ट कर रही है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जानवर को डिस्टर्ब। दिखे ना क्या ये है कुछ यहाँ पे, हाँ उसके बच्चे भी होंगे ऐसे, बाहर भी घूम रही है, नहीं कर सकता। एक तो ये बैठा और उसका लड वाला ऊपर बैठा, ये तो दूसरा है, वो साथ वाले का इधर आ गए। ये नहीं है, ये तो वो जो साथ है ना उस पिंजरे में था ना, वो इधर आ गया, टुप टुप करके आ गया, वो दोनों जुड़े हुए ना, ज्वाइंट किए हुए हैं, दो है देख रहे। ये एक्चुअल पीले वाला, वो देखो देखो ये देखो, ये दिख रहा है मस्त फ्रेंड्स, बढ़िया तो है इसमें। यहाँ का जू अपना आपको सारा दिखाने वाला है, कुरुक्षेत्र का जू तो आपने देखा ही होगा, और ये तो कुछ नहीं है, ये बहुत मस्त है, मस्त है। यहाँ देखो एंट्री करके हमने इतने पंछी देख लिए, प्यारे मछली है, दिल खुश। चलो अब आ चलते हैं, जल्दी जल्दी से आपको पूरा दिखाते हैं। देखो बाहर वाले पंछी तो आप देखते ही रहते हो ना, ये छोटा भीम देखने लगी, पर इधर देखो बांस, देखो पीला बांस, अरे बांस देख तू, इसको कलर थोड़ी किया हुआ है, ये बांस ही पीला है, कितना मस्त लग रहा है ना। पूर्वज उप्स ये, अब ये तो सिंपल तो होता है, ये सिंपल तो होता है, पर ऊपर पूरी लाइन भरी पड़ी है यार, कसम से ऊपर पूरी लाइन भरी पड़ी है। ये सिंपल तो होते हैं, आपने देखे होंगे, पर ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है, लंबी लंबी उनकी टेल है, वो देखो। चलो अब आगे चलते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में तो खाए भी है, देखो ये देखो इंडिया में तो पाए जाते हैं, ये देखो अब समझ में आया। इधर भी इधर चिड़िया, छोटी चिड़िया, ये तो आपको दुकान पे, ये तो आपको दुकान पे मिलती रहती है, बजरी घर, बजरी घर, ये यहाँ पे मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती, इंडिया में बाय होती है। प्यारी देखो कितनी है, ओए होए होए, ये देखो मैं और स्नेहा जी और साथ में मनीष अलग, बाकी सारे जुड़े हैं, ओ इधर इधर मैं क्यों बैठा है, ओहो इधर सही है, देखो ये सारे कपड़ों, ओ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ओए होए होए गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, ना 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 क्या कर रहे हो, ये देखो ये सारे कपल है, ये ऐसे ही रहते हैं, ये देखो ये एक दूसरे को चोंचे ही मारते हैं, इनका काम ही है, छेंड देते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ये सारी इनकी डिटेल लिखी है, ये ऐसे ही रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, अगर एक को कुछ होता है दूसरा अपने आप कुछ हो जाता है, तंग करते रहते हैं एक दूसरे, ये मस्त है। अरे यार ये है लव बर्ड्स है, ये नाम ही लव बर्ड्स है ना, हम घर में ये पाल लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पाल लेंगे। ओ इधर तो तीन जने हो गए, इधर तो तीन जने हो गए, इधर तीन जने हो गए, ये प्यार था, ये बहुत ऐसे ने दिल खुश कर दिया हमें, आई लव यू बर्ड्स। जो कपल है ना जो मैं अभी चीज़ दिखाई आपको, वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और इसके एक साइड तो पंछी है, एक साइड जंगल है, पूरा ऐसे है ना ये जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, पैसे वसूल है, आप अगर आगे जहाँ आते हो घूमते हो अच्छा तो मस्त है, बहुत मस्त। ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, इंग्लिश मेरी है नहीं हो, ये पढ़ लेती है थोड़ी बहुत, सिल्वर बल्ब फिजेंट, चलो आपको ये दिखाता हूँ मैं आपको,
ये दर्शन देने के लिए आया। देख ऑटोग्राफ मैं बाद में दूंगा तुझे। ओए ओए भाग्य भाग्य भाग्य, वो कह रहा मैं तो यही नहीं, एक तो ये है एक ये बैठे हुए हैं, मेरा ही ऑटोग्राफ लेने आए हैं लोग, एक ये बैठे हुए। पर कितना प्यारा लग रहा है, अरे इसके बाल देखो पीछे जिसने हेयर स्टाइल बना रखा है, कितना प्यारा लगता है। और देखो कितने लंबे है, लव यू सा, कितने कितने सही लग रहे हैं पीछे। वो सिल्वर फ्रिजन था, ये गोल्डन फ्रिजन है, पर ये बहुत प्यारा लग रहा है यार। अच्छे जब आप लाइव देखोगे, अभी तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जब आप लाइव देखोगे आपको मजा आ जाएगा। फिजन दिखने की कोशिश कर, खा रही है वो, देख लो बस आप। आ गया, देख रहे देख रहे आप, मस्त लग रही है, जाली पे कर रहे हैं। चलो ये सारे पैरट है, ओ पैरट सारे बाहर आ गए। छोड़े कौन सा स्कूल है ये, अकेडमी है। सारे पैरट बाहर आ गए, और भी आ रहे, तोतियां भी बाहर आ गई, बढ़िया। वो सारे पैरट भी दिखाए, और पैरट बाहर चल रहे हैं, देखो हरे पैरट। सारे पैरट बाहर चल रहे हैं, तो अभी हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से, आपको सारे दिखाते हैं। जो लंबा आया बड़ा आया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बाहर बट लंबी मजा तो आएगा। ये तो सारे ने देखा हुआ है, ये तो देखो ये बैठा है मोर, ये मोरनी है, ये मोरनी है, मोरनी के लंबे पंख कभी नहीं होते, याद रखना। मोरनी, ये मोरनी है, ये मोर है, हमेशा ये मोर होता है, ठीक है। आपको एक बात क्लियर हुई कि मोरनी कभी भी उसके पंख नहीं होते, मोर होते हैं हमेशा लंबे, हैं ऐसे भी होता है? नहीं, मोरनी के कभी लंबे पंख नहीं होते। ये मोरनी बैठी हुई है, और इसके ऊपर वाला देख कितना सिस्टम सही है, ये वाला, ओए ओए ये फोकस गलत कर, देखो मोरनी ऐसे किसी ने नहीं करना, ठीक है, ऐसे वो डिस्टर्ब हो जाती है। और मोर बैठा है आराम से, वो देखो, ये तो खैर सबने देखे होंगे, जंगलों में रहती हैं, वो देखो ऊपर बैठे हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये पैरट तो कम ही लग रहा, कुछ और ही लग रहा है, ये पैरट तो नहीं लग रहा भाई, ये अफ्रीकन पैरट लग रहा किसी भी हिसाब से, नहीं ये तो नहीं लग रहा, ग्रे पैरट कह रहे हैं, ये नहीं है पैरट, तो ऐसा दिखना चाहिए, वो कहीं और छुपा होगा, इन्होंने कब्जा कर लिया, हमें मूर्ख बना रहा। ये तो नहीं, ये तो नहीं है, ये देखो ये देखो, इसमें रेड पंख दिखाए, कलरफुल पंख है, पूंछ है रेड, पर ये कुछ अलग है, धोखा दिया गया हमें, धोखा दिया गया, गलत बोर्ड लगा दिया इन्होंने, वो देखो नीचे घूम घूम कर रहे हैं ना, या फिर इन्होंने गलत बोर्ड, रेड एंड ग्रीन मकाओ। फ्रेंड्स कहते हैं इसको तोता भयंकर, ये इसने मरा हुआ भुड़का, भुड़का मरा उसने, उंगली लग कर देनी, इतना देखो कितना बड़ा है, मस्त तोता है, मस्त। चलो फ्रेंड्स उसको छोड़ो, ये देखो किससे पंगा लेने जा रही है तू, पंगा लेने जा रही है, वो घुस गई, देखो वो बेचारे आराम से बैठे हैं, देखो कितना बड़ा है, ये वाला है, ठीक है, मकाओ तोता बड़े वाला, इससे पंगा नहीं लेना अपने, इसको पकड़ने की ट्राई नहीं करनी, दूर से प्यारा लग रहा है। हमारे पास भी एक रेड तोता है, कभी कभी रेड होता है, रेड तो तोता पीछे है, अरे ये रेड तोता ये तोता ब्लू एंड येलो नाम पढ़ लो, पर इसे देखो ये पत्थर मिट्टी खा रहा है, बैड मैनर्स मिठू, बैड मैनर्स, वो मिट्टी खा रहा है, वो खा गया। पर देखो ये ऊपर बैठा है, पर इसकी चेस्ट बहुत प्यारी थी, मतलब कि पूरी येलो थी, तो क्या तोता है यार, ओए ये देखो आ गया, मुझे खाने आ गया, ये सोच रहा मैं कुछ दूंगा इसको, ना भाई तू मुझे डरा रहा है, मिट्टी ओ पत्थर पत्थर इतनी चोंच देख रहा, मुझे लगता है ये बुर्ज कर रहा है इस वेले, ओए खा गया मुझे, खा गया ये दोनों, वो खा गया ये, खा गया ये देखो, ये खा गया मुझे, डरा दिया इसने, बाय बाय तू दूर ही रह मेरे से, नाखून कितने बड़े हैं उसके, आई डोंट लाइक मुझे डराना, मुझे डरना बहुत बिल्कुल नहीं पसंद। वो चोंच देखो इसकी कितनी वो है, खतरनाक, आई एम खौफ। एडवेंचर पार्क है ऊपर, यहाँ पे ऐसे जिप लाइन भी है, वो देखो वो भी है पैदल चलने के लिए, पर ये अभी बंद है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना सर्दियों में ज़्यादा आते नहीं ना, तो ये अभी बंद है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ करने के लिए है, यहाँ से जाओ रस्सी के पुल के ऊपर से आप जा सकते हो, यहाँ पर बढ़िया है, मस्त है, अगर आप, हाँ रस्सी पर ना चलते हो जाल चढ़ने के लिए, ये अभी बंद की हुई है जिप लाइन उन्होंने, बाकी ये सारा जंगल है, आगे आपको और दिखाते हैं। एक टाइम पे आगे जानवर को समझाया जा सकता है, वो गलती कभी लाइफ में नहीं करते, पर ये देखो इंसान नहीं सुधरते मेरे सोना बाबू,
प्रिया रिया रिंचा। अरे बांस को नहीं बख्शा हुआ। चलो अब आपको दिखाते हैं शतर मुर्ग। शतर इसमें शतर मुर्ग की बात नहीं कर। देख रहे हो आप, देख रहे हो चोंच मारी है ना उसने। खाना खा रहा है शतर मुर्ग कितना बड़ा है। मैंने पहली बार देखे, हालांकि मैं देखता रहता हूँ शतर मुर्ग। सिर नीचे किया और छतर मुर्ग ए देखो कितना बड़ा है। ओ छतर मुर्ग सुन लिया उसने, मैं तो तुझे बुला रहा था। अच्छा छतर मुर्ग को देख ले। छतर मुर्ग देखो ये तो देखो नीचे तक आ रही है। ये तो ड्रैगन है, ये छतर मुर्ग बनाया हुआ है। और ये देखो छतर मुर्ग वो देखो तो देखो कितना छतर मुर्ग। मैंने तो बस भाग तो देखो से ये चोंच बहुत खतरनाक मारते हैं। ये देखो शत्रुमुर्ग पाँच सात फुट हाइट होगी ना इसकी। मनीष के सिर पे चोंच मार सकता है ये मेरे सिर पे नहीं मार सकता। हो देखो दुकड़ा ओए पप्पू कर दी नहीं की ये पंछी है या क्या है देखा जाए तो मजा। आज दिखाऊं शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग चार अंडे देता है और मुर्गियों के अंडे देता है। ऑस्ट्रिच को शत्रुमुर्ग ही तो कहते हैं। शत्रुमुर्ग ऑस्ट्रिच नस्ल में हम आगे बढ़ते हुए टर्की साइंटिफिक नेम है इसका मिलियाग्रिस। अब पढ़ लेंगे जिसने पढ़ना होगा। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आपको यहाँ का देहरादून के पास जो पड़ता है ये सारा दिखा दूंगा। ये देखो कैसे चोंच मार रहा है व्हाइट। ओए उस मुर्गा जो मुर्गा सा ना व्हाइट वाला हाँ। उसके नीचे से यहाँ गर्दन से बाल निकले हुए ब्लैक कलर के। कैसे दाढ़ी है वो, दाढ़ी है दाढ़ी है ऐसे निकली हुई है। वो मोच रखी है बहुत ही मोच है उसके पल्ली साड़ी जो बाज है वो मोच रखी है उसने। ये छोटा शतर मुर्ग है। ये शर्त मुगरी है मुगरी। चलो चलिए मुगी अगले आगे वही है। यही वही है ये देखो ये सारे शतर मुर्ग की जैसी है। अच्छा ये सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है हाइट में। लिविंग ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया सेकंड। ये देखो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड मेरे पास आई बस मेरे चुंझ ना मारी। ओए ये देखो ओए हाय असली आंखें देखो ओए चेक करो इसके कान। कान तेरे कान तो इसके कान नहीं होंगे। देखो कैसे दिख रही है मेरी फोटो खींचोगे कानों पे बाल आए चली जाऊंगी। एक वो पेड़ के पीछे है। मच्छ देखने की बारी आ गई जिसकी चोंच ऐसे तिक्खी सी होती है। घड़ियाल कहते हैं आपको दिखाऊं। चलो ये देखो ये पड़े धूप का आनंद उठाते हुए। ये देखो ये देखो ये देखो 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 ये देखो पड़े हुए हैं। चलो अब आगे निकलते जल्दी से लिबिडो लंबी नहीं। मगरमच्छ इसकी आता है मुँह खोल के रखना ज्यादा देर तक ठीक है। तो चल दिखाओ देखो मगरमच्छ रखता होगा मगरमच्छ नहीं खोल के नहीं रखती की। और क्या फोकस कर इरा ये देख रहे हो कुछ में बड़े बड़े हैं। एक वो पड़े पड़ा असली तो लग नहीं रहे लेकिन असली है ये देखो ऐसे लग रहा है ऐसे बना रखे हो ये देखो ये टर्टर है सारे आपको वन बाय वन दिखाते हैं। ये वाला अभी पानी में है पानी में घूम रहा था अभी मेरा पता नहीं कहाँ गया ये घूम रहा था। चलो आगे शिफ्ट करता हूँ ये पढ़ लो। ये यहाँ पे है हमें आंखों से दिख रहा है वो देखो छोटा सा वो छोटा सा ये पड़े मिट्टी में पड़े हैं। ये भी धूप सेक रहे हैं मिट्टी में पड़े कश्मीर दिख रहा ये पड़ा ये वाले टर्टल है ये देख लो अभी ये धूप सेक रहे हैं अपने आपको वो दबा पड़ा है वो दबा पड़ा है अभी ये बड़ा टर्टल शायद पानी में सीख रहा है। वो कचो वो पत्थर से पड़े ना वो टर्टल है ये वो दिख रहा है देखो देखो दिखाऊँ ये देखो ये ये अरे फोकस ये फोकस शीशे पे कर रहा है आई एम सॉरी फ्रेंड्स। एक तो ये बैठा है देखो टर्टल सब्जी खाने के लिए कैसे बस इसकी ना मुंह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा खा रही है ना। हाँ उसका खाने का टाइम है अरे बड़ा स्लोब है क्या देखो ये देखो ये है अब ये मच्छी वाला 100 साल पुराना टर्टल इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है ओए असली देखो देखो पैर हिलाया इसने हाँ। ये ऐसे स्लो ही चलते हैं बहुत उठाएगा हाँ तभी तो इसकी साल इतनी उम्र साल है
अच्छा ये नंबर, सॉरी फ्रेंड्स ये नंबर नहीं है, ये मेरी टी शर्ट का कुछ दिख रहा है आपको, दिखाऊँ? ये देखो, ए ए ए, ये देखो ये लोअर का दिख रहा है, मेरे लोअर का, ये मेरे लोअर का, सॉरी ये मेरे लोअर का, लोअर का, लोअर का। चलो आगे चलते हैं, टर्टल टर्टल दिखा दिए, देखो 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 कपड़े परे पो दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो उधर भी पड़े हैं और ये भी पड़े हैं, वो देखो धीरे, ये खाना पीना भी चल रहा है इनका, इन सबका खाना पीना, ये टर्टलों के घर बनाए हुए हैं, खाते हैं मतलब मल्कि वेजिटेबल खाते हैं, ये पानी वाले टर्टल भी है यहाँ पे, इनकी डाइट लिखी हुई है नीचे क्या क्या खाते हैं, ये खाना पीना सारा लिख लो, देखो सारा अगर मैंने दिखा दिया तो आप भी आओगे ना, तो इसलिए आप देखो इनको आगे, ओ जाने लगे, घर जा रहा है, देखो 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 घर जा रहा है, घर जा रहा है, घर जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, ये पौड़ी कैसे चलेगा, पौड़ी पौड़ी कैसे चलेगा, पौड़ी कैसे चलेगा, नहीं वो साइड में से जाएगा मेरे ख्याल, देखते हैं, ओ इतना मुश्किल काम कौन करेगा, रात को जाएंगे, छोड़ो परे, रुक गया, वो नहीं जाएगा, कैंसिल हो गया उसका, सोच रहा है जाऊं खाना ज्यादा खा लिया, नहीं जाऊंगा मैं, हम मोक्षली मंजिले कामयाब करेंगे, हम साइड जाएगा जाएगा जाएगा, बहुत आलसी है रे, आलसी टर्टल, टूट पड़े खाने पे, एक बच्चे भी इसमें, ठीक है हाँ, तो बच्चे होते ही टर्टल, वो छुप के बैठा है, इसकी मुंडी दिखा देता हूँ मैं, देखो मुंडी अंदर है इसकी, मैंने दिखा दी, देखो ये नहीं कर रहा है, मैं सारा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया पार्क है, यहाँ दो फायदे होंगे, एक तो आप जानवर देख के अपने आप को पहचान जाओगे कि आप उनसे भी बुरे हो, क्योंकि आप कईयों को परेशान करते हैं, किसी को नहीं परेशान करते, दूसरी बात कि आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, उई उई उई, दिख रहे हो ये पढ़ लिया, पल्चर पल्चर पढ़ लिया, पर देखो इसका साइज, देसी गिद्ध कह दूं मैं इनू, मुकमाई हुई है, देखो ओहो खतरनाक, एक उड़ के गया, मैंने उसके पर खुले हुए देखे ना, वो जो सामने बैठा वो देखो बहुत बड़ा है यार, ये देखो इतना ही होता है, चीली तो है, हाँ हाँ चीली इससे भी बड़ी होती है, हाँ ओहो खतरनाक, उड़ के आई है इधर, बदतमीज लगता है जब एकदम उड़ के आता है, बहुत इसके पर्वत ने वहां से इस इसके साथ टच कर लिया, उड़ जा, ऐसे करना नहीं किसी ने, ऐसे ना किसी ने करना नहीं यार, देखो ऐसे डिस्टर्ब नहीं, उनको अपने अच्छा से जीने दो, क्योंकि यहाँ पता नहीं 200-300 बंदे आते होंगे, बार बार इसको उड़ाते रहते होंगे, ठीक है ना, पर वो उड़ेगा, उड़ेगा उड़े 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 उड़े, पर देखे पर देखिए आपने इसके कितने बड़े खुले थे, नीचे भी आएगा, अब तो यही उड़ रहा है बस, है ना, हाँ ये उड़ेगा, ये बाजोली, लड़ पड़ो लड़ पड़ो, युद्ध छेड़ लो, जंग छेड़ लो, वर्ल्ड वॉर छेड़ लो, चलो आगे चलते हैं, काफी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ कछुए भी है, आगे एक्वेरियम भी है ना, इसकी बात नहीं कर रहा, कछुए भी है, और एक हम कछुआ घर भी छोड़ के आए हैं, जो अभी बोर हो रहा होगा, ठीक है मनीष, ठीक है, और बहुत बढ़िया, आप सारे फुल वीडियो में आपको फुल मजा आने वाला है, और ये अब आपको कहाँ है, हम कौन सी पार्क है, डियर पार्क, डियर पार्क है, ठीक है ना, ये ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मकरोड़गंज नहीं, मंसूरी, मंसूरी के एकदम जड़ में है ये, मंसूरी जाने से पहले यहाँ आओ, मस्त है, स्नेक हाउस है, ये सारे स्नेक हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हमने एक्वेरियम में जाना है, ठीक है, वो बाहर एक्वेरियम में मछलियाँ बाहर आ गई, जलपरियाँ बाहर कैसे आ गई, चलो हो इसे, वो झींगा भी बना रखा है, झींगा, चलो पहले मछली दिखा दे, खाई हुई मछली ही, पूरी टांगी हुई है पूरी ही, एक्वेरियम में जाने के लिए यहाँ से एंट्री होगी, सो मैंने मैंने कछुआ कछुआ इज नॉट कटिंग, पर कछुए, चलो एक चीज बता दूं, अंदर सिर्फ म्यूजिक लगाया होगा, क्योंकि अंदर म्यूजिक चल रहा है, कोई पेस्ट रहेगा, सकते तो मछली दिखाते हैं आपको, मछली दिखाएंगे हम आपको, एक मछली पानी के बाहर है, बाकी सारी अंदर है, ओ ये तो दीप्ति लग रही है, अच्छा वो सॉरी ऊपर है मैं शायद खाना खुना खा के मोटी हो गई, ये मगरमच्छ वाली मछली है लिखा हुआ है, ओए कितनी प्यारी वो हिला रही है, ये मस्त मस्त, देखो उसका मुंह देखो, फेस देखो, और इसका फेस, इसके दांत दांत, चल मगरमच्छ, इसका नाम है मगरमच्छ वाली मछली, आगे बढ़िया है, बढ़िया है, मस्त, कुछ नहीं मिस करेंगे, ओए ये झुंड में घूमती है, इधर देखो कितने सारे, एक चलेगा सारे उधर जाएंगी, देखो देखो देखो,
अब इनमें से एक ना 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 देखो वो आपस में एक्चुअली से अपने आप को ज्यादा बना रही है, क्यों सामने शीशा लगा हुआ है ना तो अपने आप को देख के वो यही रहती है मोस्टली, या फिर इधर रहती होंगी शीशा लगा ना तो देखना 1 2 3 बूम मेरा आ काम करता है बूम लव यू सर स्पाइडरमैन 2 2 2 चला के दिखाते ये मछलियों पर नाम लिखा हुआ है। उई उई वाओ क्या मस्त है। अरे ये एक मछली ये भी है, एक मछली वो देखो वो भी वो लकड़ वाली मछली पता नहीं चल रहा है, ये देखो ये भी एक मछली है पता नहीं चल रहा है, ये मछली है जो डॉल्फिन की तरह लग रही है ना, डेनिसन बार्फिश देखो। ओए होए होए क्या मछली का कलर है ये देख लो मछली, ये कैसे पड़ी है, ये तो चिपक के पड़ी रहती है, ये तो देखी हुई है पर ये लग रही है देखिए। हाँ हाँ वो मैंने दिखाई पूरी लकड़ी की तरह है, वो लकड़ी खा रही है, मस्त है बढ़िया है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। ओए व्हाइट फिश व्हाइट एंड ऑरेंज बहुत मतलब कि मेरे पैसे खर्च लेना यार मछलियां देखने के लिए, दो मछली ना हिंदी में लिखे पर व्हाइट वाली मछली देखो दिखाऊं आपको बेहतरीन तरीके से, ये बाइट थी ये तो अपने पास ही आ गई, बहुत प्यारी है बहुत प्यारी है। चलो ए बस मछलियों किसका ना, ओए 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 एलियन फिश, इसका दिमाग एलियन फिश इसका दिमाग, तू तो नहीं देख तू नहीं अपना लेके चलती वो तो चलेगी ड्रैगन फिश फ्लावर हॉट रेड ड्रैगन फ्लावर। देखो आगे कितनी सारी मछलियां हैं एक्वेरियम में, मैं बता दूं कि आपको मैंने पूरी फिश नहीं दिखाई, मैंने कुछ गिनी चुनी फिश दिखाई हुई है, फुल की इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है ठीक है। ओए ये देखो ये देखो 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 स्टार्टिंग की और लास्ट की फिश दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें स्नेक फिश है ये वाली, ये स्नेक फिश है झींगे घूमे पड़े हैं इधर देखो, ये मछली चेक कर लो जो कि वीडियो लंबी नहीं करते हैं, एंड हो गया चलो बाहर चलते हैं। आ गए हम एक्वेरियम के बाहर, तो हम बाहर चलते हैं सीन क्या है, ये हो गया हमने सारी फिश दिखा दी और एक फिश बाहर आ गई, चल अंदर चल चल पानी में चल, एक्वेरियम दिखा दिया है, थोड़ा सा स्नेक भी दिखा देते हैं, इसका अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको आप देख सकते हो। स्नेक के बच्चे सारे बाहर आ गए, ओए हम अब असली स्नेक देखने जाएंगे, अभी हम स्नेक देखने जा रहे हैं, स्नेक कौन कौन से है इसके अंदर, ऐसे वाले ये सारे स्नेक है गए हैं पर गिने चुने देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सारे हैं नहीं, यहाँ पे ये वाला स्नेक है पर है यहाँ कहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा, आई डोंट नो कहाँ है, अगर मिलेगा दिखाएंगे नहीं तो चलो आगे चलते हैं। चलो आपको अजगर दिखाते हैं, ये लंबा फिट पता नहीं कितना होता है, देख लो सारी नॉलेज दी हुई है, वो सामने दिख रहा है रियल स्नेक यू नो, एक स्नेक रियल वाओ ये देखो ये अकेला धूप सेक रहा है, बाकी सारे चुपचाप के बैठे इधर ही, और खतरनाक चीज स्नेक तो आपने देख लिया जो धूप सेक रहा है, बाकी स्नेक ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि ऑनलाइन आपको मिली जाती है, खतरनाक जहर ये देखो किस किस से बचना है, इन चीज से बचना है, चलो जल्दी से ये दिखाता हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी है। आपने ना कैंचली उतारी हुई है देखो, ये देखो कैंचली उतारी और ये सांप खुद कहीं फरार हो गया, कहीं छुप के बैठा हुआ है, ये सांप है क्या देखूं, नहीं ये सांप नहीं है ये कुछ और है, ये बोरी है, ओए ओए ये सांप है, ये सांप है नहीं ये सांप नहीं है। आपको देखने को मिलेगा इंडिया कोबरा, आई डोंट नो कहाँ कोबरा, ये तो आप देखते रहते हो, इसको क्या दिखाना, चलो चले। ये बोले सांप की साइज बहुत छोटा होता है, ये देखो बे भर भर के पड़े हुए ये सारे सारे पाए काले काले से, चलो अब मुझे सांप नहीं दिखाने आपको डर जाओगे आप, ये वाला सांप दिखाऊं वो पड़ा, ये देखो बॉल पाइथन अंग्रेजों ने पला होता है, चलो जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं। स्नेक दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखो ये रखा, ये देखो ये दिख रहा है जो हरी बेल दिख रही है, ये सांप है, ये दिख गया हरा सांप, बाइन सांप देख लो मेरे आगे घूमी जा रहा है, दिख गया ना इसमें बाइन सांप वो पड़ा, दिख गया ना ये देखो दिख गया जी इसका फेस मस्त। सीन क्या है इसमें सांप है पर ढूंढने पड़ते हैं, तो चलो आगे चलते हैं। कैक्टस दिखाई जाएगी, ओए कैक्टस दिखाने वाला हूँ सारी जल्दी जल्दी से दिखाऊंगा, ये वाले कैक्टस आपने देख लिए चलो भी हो जाएगी पर दिखाऊंगा आपको पूरा, कैक्टस पत्थरों में होते हैं, ये देखो कैक्टस कैसे अलग अलग है, कैक्टस कैक्टस इधर देखो लट्टू वाले कैक्टस कैक्टस लट्टू वाले बढ़िया लग रहे हैं, कैक्टस की प्रजातियाँ सारी देख लो,
निप्पल कैक्टस, इसके ऊपर फूल लगते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये बढ़िया ऊंट यही तो खाते हैं कैक्टस, इंसान नहीं खा सकते। देखो कैक्टस कितने मस्त है कैक्टस, ये कैक्टस फ्रेंड्स, ये किसके कैक्टस है? अपने कैक्टस को संभालो, कोई जहाँ छोड़ के चला गया। चलो आगे चलते हैं, कैक्टस के फूल भी लगते हैं कितने प्यारे। ये देखो कैक्टस, स्नेक कैक्टस, स्नेक कैक्टस, वो इधर कैक्टस, किसी को कैक्टस को हाथ लगाने का मन हो ऐसे पकड़ गया, ऐसे चिक्का मार सकता है। सारे कैक्टस बीच में स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। ये वो है जो राजस्थान में उगती हैं, ये ताजिया वाले भी है। ये देख लो, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कैक्टस, ये देखो कलरफुल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कैक्टस, कैक्टस कैक्टस, ये सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही है। ओहो अफ्रीकनों के कैक्टस देख लिए ना सारे, जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, अलग दिखाऊंगा मैं। ये सारे कैक्टस देख लो आप, देखो कैक्टस भाई वो बनता है वो कैक्टस नहीं है। देखो कैक्टस 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 कैक्टस, जंगलों में ये सारे कैक्टस होते हैं, जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। आप देखो ये पत्तों वाले कैक्टस, ठीक है, इनमें पानी बहुत होता है, पर राजस्थान जो कुछ जाएगा वो समझ में आएगा कैक्टस कितने ज़्यादा है। बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है, पार्क में मज़ा आता है घूमने के लिए, फुल टिकट लेना सारा कुछ, घूमना और इन्जॉय करना पूरी लाइफ। कैक्टस की दुनिया है पहाड़ी इलाके में, ये मस्त व्यू है पार्क का, ठीक है, बहुत मस्त व्यू है, शक्लें बनी हुई है यहाँ पे, मस्त मस्त शांति पीसफुल। आपको कैक्टस सारे दिखा दिए हैं जल्दबाजी में, अब आगे चलते हैं, अब तेंदुआ दिखाते हैं जल्दबाजी में। बारहसिंगा दिखाता हूँ मैं आपको, लस्को वो बारहसिंगा बैठा है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 1 2 3 बूम, असली है असली। देखो बारहसिंगा दिख रहा है ना, ओहो उसके साथ उसका बच्चा भी बैठा है मूंछ बाता हुआ। तो चलो अब आगे चलते हैं, पूरी फुल फैमिली दिखा दी मैंने बारहसिंगा की। ये वाला देखा आपने, ये भी देखा आपने, ये भी देख रहा, ये भी टीयर दिखाया, हिरन दिखाया आपको, आओ दिखाओ हिरन, ए कहाँ है हमारा हिरन, ये देखो ये देखो, ये हिरन भी है और बारहसिंगा भी है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओए इधर मुंगमा, उसको आवाज़ नहीं सुन रही होगी, देख रहे देख रहे, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कुछ मार रहा है, धूप ले रहा, धूप धूप ले रहा, धूप धूप धूप, देखो इधर भी बहुत सारे है, स्विमिंग पूल भी बनाया है, ये देखो दिख रहे हैं ना, ये देखो देखो वो, देखो बारहसिंगा इधर, वो मुंगमाया हुआ उसने, ये देखो मस्त लग रहा है। चलो अब आपको दिखाएं, देख लिया अपना फोटो, देखो ये छोटे बच्चे अभी बाहर हैं, इनको उनके साथ जाए किया जाएगा, चेक करो ये लेटा पड़ा है, आपको दिखाऊं लेटा पड़ा है, चेक करो उसको सोने का टाइम, एकदम गुड नाइट करके बैठा, वो रात को चिता कर रहा शिकार, सो रहा है एकदम, अरे खुड़ा है खुड़ा है खड़ा है, वैसे मरने का नड़ कर रहा है वैसे। चलो आगे, हमने ये सारी दिखा दिया, सारा जू दिखा दिया, अब लास्ट में यहाँ से स्टार्टिंग किया था हमने, ठीक है, अब हम इधर झूला दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो का एंड, टाटा बाय बाय। तीनों चीज़ें तो मैंने दिखाई दी आपको, इसके अलावा भी बहुत कुछ दिखाया, ये बोली अब चलते इधर, हो ओहो इधर देखो बढ़िया है फन, वो इधर देखो पूरा फन पार्क बच्चों के लिए, बच्चे पूरे फन कर रहे हैं इसमें, मैं बेहतरीन जगह है, फोटो दिखाता हूँ। मोगली के साथ जाके चलेगी, अपनी बाइक के पास चलेगी, ये पिंक किधर जा रहा है, ये देखो ये मोगली का पूरा वो बनाया हुआ है, पूरा मस्त वाला मजा है, इसे दिखा दूँ कितना प्यारा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है हाथी, ये बग्गा, ये लुमड़ी, ये लुमड़ी। पार्क में मैं आपको दिखा दूँ, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, देखो छोटा भीम, चल जा छोटी भीम में चुटकी चाहेगी, ये होगी छोटा भीम। अब आगे पूर्वज, इन्होंने कुछ ज्यादा तरक्की कर ली, अब इसको किसी भाषा में समझाया जाए, पहले ऐसा था ऐसा, ये अपना क्या खुआड़ के पकड़ लिया, अच्छा ये शैनी है और लठ हो गया, ये डंडा आ गया, ये पंप बना दिया, अब ये कंप्यूटर बना दिया, अब क्या बनाना चाहेगा। तो ये थे पूर्वज का कुछ ये इतिहास में क्या है, ये देखो मस्त है, ये पेड़ अगर बीच में ना होता था काफ़ी फोटो में यहाँ खींची जा रही थी, पर पेड़ होना जरूरी है, देखो मस्त है मस्त, ओ फिर से फोटो खींची जाएगी, उप्स देखो इधर बच्चे पूरी मस्ती कर रहे हैं, और बच्चों के लिए तो ये स्कूल मस्त है, पार्क मस्त है, पार्क में बच्चे फन करते हैं पूरा, पर स्कूल के लिए तो ये बेस्ट है, बहुत नॉलेज भी है और ऐसे झूलने के लिए भी है। स्लाइडर
कंप्लीट हो गया। देखो इधर उल्टा मगरमच्छ, ठीक है। खैर ये तो उतरता ही है पेड़ से, ये लेपर्ड ऐसे उतरता ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये देखिए फन पार्क, ओवरऑल हमने ये सारा दिखा दिया, बाहर जाके स्कैंड करते हैं। ये सारा अपना जू आपको दिखा दिया है, फन पार्क पूरा एक टू जेड दिखा दिया है। यहाँ पे सामने कंटीन है, बैठ के खा सकते हो, और मस्त व्यू है सामने मनाली है। क्या है क्या मंसूरी, सामने मंसूरी है। ओवरऑल ये जू आपको कैसा लगा? अगर आप देखना देखना आते हो तो पैसे वसूल है इसमें, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्यारा है, ठीक है। और बस आओ और इन्जॉय करो। ये कहाँ पे है? ये मंसूरी के एकदम जड़ में पड़ता है, मेन सड़क पे पड़ता है, इतना दूर नहीं है, मेन सड़क पे पड़ता है। जाते जाते आप रास्ते में रुक सकते हो, और 1.5 से 2 घंटा लगता है। और ये मस्त है, आपको सारे जानवर देखने को मिलेंगे, और बहुत प्यारा है, साफ़ सफाई पूरी ओके है, सेफ्टी भी बहुत मस्त है। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आज के इतना काफ़ी है, बाय। और हाँ एक चीज़ और बताऊँ, जो फिश वाला है वो कंप्लीट दिखाया हुआ है, उसका अलग से ब्लॉग आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी दिखाई है, स्नेक भी इसमें थोड़ा सा दिखाया है। स्नेक में आप, मैं नहीं प्रेफर करता कि स्नेक आप लो टिकट, क्योंकि स्नेक जो अलसी पड़े रहते हैं वो हिलते नहीं है, और दिखने ढूंढने में बहुत मुश्किल रहते हैं। बड़ा आपको अजगर ही देखने को मिलेगा, या फिर 1-2 स्नेक मिलेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा फिश की टिकट लो, स्नेक की मत लो। तो बस आज के इतना काफ़ी है, वैसे आप कंप्लीट की लो, क्योंकि आपने अगर बाई चांस कभी स्नेक नहीं देखा तो आप देख भी सकते हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी है उसके लिए सॉरी। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।